हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर पलटवार किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुक्खू बिना वजह की बयानबाजी में लगे हुए हैं। सीएम जयराम ठाकुर हमीरपुर पहुंचे थे और खेल मंत्री राकेश पठानिया, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक नरेंद्र ठाकुर समेत कई लोगों ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ू स्थित निजी पैलेस में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की 50वीं शादी की सालगिरह में शिरकत की और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और उनकी पत्नी शीला धूमल को बधाई दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने उनके द्वारा जो है बहुत ही सराहनीय फैसला लिया गया है और जिससे कि जनता को लाभ मिलेगा। सीएम ने उज्ज्वला योजना में सब्सिडी देने के फैसले की भी तारीफ की। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी जो कटौती की गई है इसकी सराहना करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिससे पूरे देश की जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा और वो लाभ होने की दृष्टि से हिमाचल भी उसमें लाभान्वित हुआ है। डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत में बहुत ज्यादा कमी करने के साथ साथ में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी जो गैस का सिलेंडर है उसमें भी 200 रुपए की सब्सिडी देना, इससे एक संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री जी का जो खास तौर से जो गरीब लोगों के लिए और सामान्य लोगों के लिए जिस प्रकार से ज्यादा मदद करने का जो हमेशा एक प्रयत्न रहता प्रयास रहता है उस दिशा में ये प्रयत्न है। अब सुक्खू क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, उनकी शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाहिए। ये पारिवारिक फंक्शन है और हम समाज में रहते हैं और स्वाभाविक है ये हम सब लोगों को उस कार्यक्रम में जाना ही चाहिए। कार्यक्रम निर्धारित है और उस कार्यक्रम को आगे पीछे करने की गुंजाइश नहीं। हमने कहा मंत्रिमंडल की बैठक आगे पीछे कर लेंगे। हम अपने मंत्रिमंडल की बैठक 23 तारीख के बदले 26 तारीख को की है।